अगली खबर में बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। अविभाजित मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे नंद कुमार साय ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। छत्तीसगढ़ की मौजूदा राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले नंद कुमार साय ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को अपना इस्तीफा भेज दिया। नंद कुमार के इस्तीफे से एमपी में भी सियासी हलचल तेज है। मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री कुसुम महदेले ने ट्वीट कर लिखा, बड़ा झटका लगा यह जानकर कि नंद कुमार साय ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नंद कुमार और मैंने संयुक्त मध्य प्रदेश में एक साथ बीजेपी में काम किया है। साय ने पत्र में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के गठन एवं अस्तित्व में आने के प्रारंभ से लेकर आज पर्यंत तक पार्टी द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण पदों एवं उत्तरदायित्व की जितनी भी जिम्मेदारी मुझे दी गई उसे पूरे समर्पण एवं कर्तव्य परायणता के साथ मैंने अपने उत्तरदायित्व एवं पदों का निर्वहन किया, जिसके लिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे पत्र में लिखा कि पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में मेरी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से मेरे विरुद्ध अपनी ही पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक मिथ्या आरोप अन्य गतिविधियों द्वारा लगाकर मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाया जा रहा है, जिससे मैं अत्यंत आहत महसूस कर रहा हूं। बहुत गहराई से विचार करने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्राथमिक सदस्यता अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। नंद कुमार साय अविभाजित मध्य प्रदेश में 3 बार विधायक रहे। टपकरा विधानसभा से वे विधायक रहे हैं। जिस वक्त मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ उस वक्त नंद कुमार साय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ की रायगढ़ लोकसभा से 3 बार सांसद रह चुके, बीजेपी से 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 2003 से 2005 तक वे छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। साय ने बीजेपी छोड़ने से पहले फेसबुक पर अपना दर्द बयान किया। दुखी कर दिए गए हैं कि मेरे फोटो के साथ वो कहीं दिख न जाएं, मेरे साथ नहीं दिख जाएं। इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सारे पदों से जिसमें भी मुझे रखा गया है उससे मैं इस्तीफा देता हूं। और इतने दिनों तक मैं रहा, जो संगठन में लोग हैं उनको कहता हूं कि आप पार्टी को ठीक से चलाइए, मैं इसकी प्राथमिक और सभी पदों से आज इस्तीफा दे रहा हूं।